और ये है हमारे राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना साहब। हाँ, खटाना जी तो बहुत ही अच्छा। ये है महाराज मंत्री जी हमारे जिला के प्रधान कपाई साहब। ये है केशव जी मंडल प्रधान हमारे। आज के प्रधान वो बड़ा व्यस्तता के कारण सांसद उसको या विधायक उसको अच्छा मानते हैं। जो हमारी सभाएं चलती हैं, सदन चलता है, उसके प्रारंभ से लेकर उठने तक बैठते हैं वो अच्छे सांसद या अच्छे माननीय विधायक माने जाते हैं। चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, या फिर हमारे विधानसभाएं हो, विधान परिषद हो। तो जुगल जी उनमें से एक व्यक्ति हैं जो जम्मू के लिए, अपने क्षेत्र के लिए तपस्या करते हैं। पहले आना, लास्ट में जाना। 12 या 13 लोग हैं, मैं भी ना उतना आगे जाते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने इतना आपके बारे में कहना उचित समझा कि बहुत अच्छे व्यक्ति में माने जाते हैं, अच्छे सांसद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू की जनता बहुत अच्छी है कि जिन्होंने आपको दोबारा चुन लिया, नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी तो एक ही बार में हो जाती। वैसे तो इस मेले का आयोजन जो है वो 22 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने पहले चरण में 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र जो है वो अर्पित किए थे। और फिर उसके बाद ये क्रम जो है वो जारी है। और जैसे कि जहां पर कटाना साहब कह रहे थे कि भाई ये 18 महीनों में 10 लाख नौकरियां जो है वो नौजवानों को दी है। जब से ये क्रम शुरू हुआ है, इससे पहले भी ये क्रम जारी है। परंपरा जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू की। वैसे तो हम सब जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दुगनी रात दुगनी तरक्की कर रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। या फिर नौजवानों को प्रोत्साहित करते हुए कौशल विकास के कार्य कर रहे। इस हिसाब से हमारे देश की उन्नति और तरक्की के रास्ते जो है वो खुलते हैं। हम सब ने देखा है कि देश के प्रति समर्पण भावना के साथ हम सब आज कार्य कर रहे हैं। आ गया हमारे वहां संसद में एक सांसद जिस दिन पहले दिन लगा के आए, हम मजाक बना रहे थे, लेकिन 10 दिन के बाद इस तरह कोरोना फैला कि जान के लाले पड़ गए। कई लोग, अपने लोग जो थे वो छोड़ के चले गए। मोदी जी की हिम्मत थी कि हिम्मत बढ़ाई और पहली बार कोरोना टीका हमारा बना और आज तो अब WHO ने मान्यता दे दी। आज हम कई देशों को बाहर को भेज रहे हैं, लेकिन अपने देश में हमने एक पैसा भी नहीं लगाया, सबको फ्री में लगाई। मैं समझता हूँ यहाँ भी सबने फ्री में लगाई होगी, मैंने तो फ्री में लगाई, सभी ने फ्री लगाई होगी। और आज भी उसी का इधर था, थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक है। चाइना की क्या हालत हो गई, US, UK, जापान कैसे करा रहे हैं, फ्रांस में क्या प्रतिशत है और हमारा क्या प्रतिशत है। मैंने दिशा की बैठक में अपने 2 जिलों की सिर्फ, मैं नैनीताल एक जगह है वहां से सांसद हूँ, उधम सिंह नगर और नैनीताल, मैंने बैठक ली तो देखा कि 15 दिन से 2 हफ्ते से एक भी केस नहीं आया, 0% निकला। और विदेशों के आंकड़े देखिए और भारत के आंकड़े देखिए तो हम बहुत न्यून उस पर है। आगे रहा कोरोना, पता नहीं कितनों को हो रहा, छींक छांक आ रही है, निकल जा रहा है।
ये स्थिति पैदा कर दी। मेरे एक दोस्त के चाचा की डेथ हो गई है चाइना में। उन्होंने मुझसे कहा, चाचा गए कितने साल के थे, 90 साल के। तो मैंने कहा क्रियाकर्म कर दिया, नहीं वो अभी नहीं हुआ, 1 महीने पहले डेथ हुई और 1 महीने बाद की डेट मिली। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मर गए हैं, बाहर नहीं आता है, और हमारा टाइम जो है वो फलानी तारीख को मिल रहा है जो कि 1 या 1 महीने 10 दिन के बाद है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा? उन्होंने कहा देश में जिस तरह आज रोजगार मिलों के द्वारा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, हमारे नई पीढ़ी के बच्चों को रोजगार मिल रहा है, ये एक ऐतिहासिक कदम है। स्टार्टिंग में जब घोषणा हुई थी लोग बहुत हल्के में ले रहे थे कि होगा कि नहीं, आज तीसरा रोजगार मिला है। 1,43,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हम रोजगार दे चुके हैं। आज के दिन भी 71,000 लोगों को रोजगार जा रहा है। एक नई किरण, नया उत्साह आज लोगों में है। मैंने उन युवकों से पूछा कैसा लग रहा है, तो लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। और खाली वो शिगुफा नहीं था, जैसे पहले से होता था कि कई लोग घोषणाएँ करते थे, अमल नहीं होता था। आज हर चीज़ पर 100% अमल हो रहा है और हमारे बेरोजगार नवयुवकों को आशा की नई किरण दिखी है। और पूरे देश में एक नया वातावरण, नया उत्साह है रोजगार पाने का।